ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के किला तलाडी में चंगे शाह की दरगाह के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की लाश मिली। यह युवती आकृति भदौरिया एमआईटी कॉलेज की छात्रा थी और बीए एलएलबी थर्ड ईयर में पढ़ रही थी। परिवार के लोगों का कहना है कि वह रोजाना की तरह अपने कॉलेज गई थी, लेकिन आकृति भदौरिया किले से कैसे पहुँच गई इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके साथ पढ़ने वाले आदित्य शर्मा, नितिन चौहान, रोहित और दो लड़कियों पर साजिश आकृति की हत्या का आरोप लगाया है। घर वालों के मुताबिक आकृति को उसके साथ ही किले पर ले गए, जहाँ उन्होंने उसे धक्का दे दिया। करीब 150 फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार सुबह युवती का पोस्टमार्टम कराकर लाश को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। आकृति की लाश सोमवार शाम को साईबाबा मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिली थी। घटना के पीछे छात्र के दोस्त की दगाबाजी में यह घटना होना बताई गई है। पुष्कर कॉलोनी निवासी संजय सिंह भदौरिया की बेटी सृष्टि उर्फ आकृति की लाश सोमवार को साईबाबा मंदिर के पीछे किला हट्टी में पड़ी पाई गई थी। संजय सिंह केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी दिल्ली में पदस्थ हैं। सृष्टि पुष्कर कॉलोनी में माँ और भाई के साथ रहकर प्राइवेट विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी थर्ड ईयर में पढ़ रही थी। सीएसपी अशोक यादव ने बताया कि आदित्य शर्मा निवासी माचपुरा से सृष्टि और आकृति की दोस्ती थी। आदित्य ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। 2 महीने पहले उसने किसी दूसरी लड़की से चुपचाप शादी कर ली। आदित्य की दगाबाजी कुछ दिन पहले सृष्टि को पता चली तो आदित्य से उसका विवाद हुआ। सोमवार को सृष्टि सुबह कॉलेज गई, वहाँ दोस्तों के सामने फोन पर आदित्य से उसकी फिर खार सुनी हुई। सृष्टि गुस्से से कॉलेज से निकल गई। पीछे से दोस्तों से तलाशने भागे, फिर उसके किले से गिरने का पता चला। इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसका पता पुलिस लगा रही है। एक युवती कल किले से कूद के सुसाइड किया है, क्या हुआ? कल जो है छिंद शाह की दरगाह जो है पड़ाव थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक युवती द्वारा किले से कूदने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। उक्त सूचना पर पड़ाव थाना की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर मर कायम किया गया। जो मृतिका थी उसकी शिनाख्त की जो है आकृति भदौरिया डीडी नगर की रहने वाली है और एमएटी यूनिवर्सिटी में बीबीए एलएलबी की थर्ड ईयर की छात्रा है। इस संबंध में मर कायम किया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों का, उनके जो मृतिका के परिजन हैं उनका जो है संदेह है कि उसके साथ में कुछ उसके बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने धक्का मारा है, तो इस संबंध में बारीकी से जांच की जा रही है और जांच पर से कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के लिए किसी को उठाते हुए जो उनके परिजनों ने आरोप लगाए हैं जिन लोगों के बारे में, उन सब उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि उनकी उपस्थिति कहाँ थी, क्या थी, उस संबंध में तस्दीक कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाएगी।